हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। आज सीक्वेंस एंड सीरीज में हम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 8+88+888+888+88+8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 88+
प्लस सेवन प्लस ट्रिपल सेवन प्लस फोर टाइम सेवन अप टू एन टर्म्स। तो इस टाइप के सम को कैसे करते हैं? अगर यहाँ पर सिक्स हो, टू हो, थ्री हो, इस डिजिट की जगह, सबको सोल्व करने का एक ही मेथड है, वो आज हम सीखेंगे। तो आज हम सिर्फ एस एन सपोज कर लेते हैं सम को। एस एन इज इक्वल टू एट प्लस एट प्लस एट। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पर जो डिजिट लिखा है वो ही हम कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ पर सेवन लिखा होता तो हमने सेवन कॉमन लेना है, यहाँ पर सिक्स लिखा होता तो सिक्स कॉमन लेना है, यहाँ पर एट है तो हमने एट कॉमन लेना है। तो हमारे पास बचेगा वन प्लस वन वन प्लस थ्री टाइम वन प्लस फोर टाइम वन प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी एज इट इज लिख देना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, नाइन से मल्टीप्लाई करना। नाइन से क्यों? क्योंकि नाइन को हम लिख सकते हैं फिर टेन माइनस वन। अगर हम नाइन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास अंदर बचेगा नाइन प्लस डबल नाइन प्लस ट्रिपल नाइन प्लस फोर टाइम नाइन प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। अब यहां पर हर क्वेश्चन में नाइन नाइन आएगा, चाहे यहां पर सेवन लिखा हो, फोर लिखा हो, टू लिखा हो या कुछ और लिखा हो, यहां पर नाइन नाइन ही आएगा। अब हर टर्म में, जैसे यहां पर नाइन है तो इसको लिखेंगे हम टेन माइनस वन, और ये 99 है तो इसको लिखेंगे हम 100 माइनस वन। यहाँ पर 1000 है, 999 है तो इसको लिखेंगे 1000 माइनस वन। यहाँ पर 9999 है तो इसको लिखेंगे हम 10000 माइनस वन। मतलब इसमें एक ऐड करके जो भी आता है, प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। अब अगली टर्म में हम क्या करेंगे, जो 10 लिखा है, 10 या 100 है या 10 की पावर जो भी है, उसको अलग कर लेंगे। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10000 प्लस कहाँ तक है, ये एन टर्म्स तक। सेपरेशन हो रही है दोनों की, फिर ये माइनस वन है, यहां भी माइनस वन है, यहां भी माइनस वन है, यहां भी माइनस वन है, हर जगह माइनस वन बचेगा। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस वन माइनस वन माइनस वन, कहां तक है, ये एन टर्म्स तक, ये भी एन टर्म्स तक होगा। उसके अगले स्टेप में एट ओवर नाइन। अब देखिए इसको स्टडी करना है ध्यान से, ये क्या है, ये है जीपी, यह है जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो का मतलब है एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। तो कॉमन रेशो आएगी 100 ओवर 10, 10 आ जाएगी, ए फर्स्ट टर्म 10। तो फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस वन ओवर आर माइनस वन। तो यहां पर वही अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म 10, r हमने 10 निकाला हुआ है, 10 n टर्म्स हैं, माइनस वन ओवर r माइनस वन, r की वैल्यू है हमने निकाली है 10 माइनस वन। यहां तक इसको सम कर लिया हमने, और ये कितनी टर्म है फ्रेंड्स, देखिए यहां से माइनस वन माइनस वन माइनस वन है एन बार, तो माइनस वन माइनस एन हो जाएगा, इसको टोटल करके ये आ जाएगा
हमने सिंपल तरीके से देखना है, माइनस वन एक बार होगा तो माइनस वन आएगा, दो बार होगा तो माइनस टू आएगा, तीन बार होगा तो माइनस तीन आएगा, इसी तरह से एन बार होगा तो माइनस एन आएगा। तो ये आ गया माइनस एन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगले स्टेप में देखिए, एट ओवर नाइन, टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर नाइन बचेगा तो नाइन एलसीएम ले लिया, और यहाँ ऊपर टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन की पावर एक बढ़ जाएगी, माइनस टेन से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन हो जाएगा, यहाँ से नाइन मिलेगा, इधर मल्टीप्लाई होके नाइन एन मिल जाएगा। और अगले स्टेप में नाइन इंटू नाइन 81, और टेन पावर एन प्लस वन, फिर माइनस नाइन एन माइनस टेन, और यही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था इसका आंसर, किसका, 8+8, 8+888 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास 7+77+777 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स होता तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यहां पर 8 की जगह हमने 7 लिखना है और बाकी सेम चीज, 7/81, 10^(n+1) -9n-10। इसी तरह से अगर यहाँ पर 4+44+444+so on होता n टर्म्स तक, तो हमने सिर्फ ये ऊपर वाली टर्म ही चेंज करनी है, 4/81 (10^(n+1) -9n-10, और ये इसका आंसर आ जाना। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।